everyone, welcome or welcome back to my channel. Hi, those who are new, my name is Abhishek, you can call me Disha. So today I'm back with Meesho Kurti Haul and अभी तो दशहरा भी है, दिवाली भी आ रही है. So आप लोगों ने बोला था भी कुर्ती हॉल एक यू नो फेस्टिवल एक बनाने के लिए. So yeah, but इस बार जो मैंने हॉल बनाना है वो बहुत छोटा सा हॉल होगा कुर्ती का, बिकॉज मैंने 6 कुर्ती ऑर्डर किए थे, एक कैंसिल हो गया पता नहीं क्यों, एंड दूसरा जो है वो अभी तक आया नहीं. एंड अभी मेरे मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए लाइक लगभग 10 days तो हो गए हैं. सो आई हैव टू पोस्ट इट एनी वेज, आई डोंट नो वाई इट हैपेंड. मे बी अभी सारा सेल वगैरह चल रहा है, इस वजह से मे बी नो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा. मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मंगाया कुर्ती क्योंकि मैं यू नो इंडियन वेयर ज़्यादा पहनती नहीं, अभी ज़्यादा नहीं पहनती, दैट्स वाई. एंड या मैं ट्राई करूँगी अगर दिवाली तक मैं कुछ मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए मीशो पे, देन श्योर आप सबके साथ शेयर करूँगी. बट या सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्स्ट कुर्ती मैंने इस बार मीशो से मंगाया है, अभी उनका सेल चल रहा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा क्वालिटी इसका आएगा, यू नो इतना अच्छा काम उस पर होगा. बट या इट वॉज लाइक मैंने जब इसको पहना एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट एंड दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल. प्राइस आपको कुछ पड़ेगा 430 लिखा है, बट या 400 के आसपास पड़ेगा आपको प्राइस. एंड ये मैंने लिया है छावी फैशन बिस्नु लक्कर शॉप से. इसका जो फैब्रिक है वो रेयन लिखा है, पर मुझे तो लगता है ये कॉटन है, कॉटन नहीं रेयन है. बट मुझे जो ये ऊपर का लगता है मे बी आई डोंट नो, ये जो प्रिंट उन्होंने काम किया है ना, जो फ्लावर का काम किया है, मे बी दैट्स वाई ये कॉटन जैसा फील हो रहा है. बट या इट्स रेयन. एंड ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है, आप इसको कोई भी फेस्टिवल में पहन सकते हो. एंड यू नो आप नॉर्मल इसको पहन के अगर आपके ऑफिस में कोई फंक्शन है, कॉलेज में या फिर ऐसे स्कूल में भी अगर आपको कोई फंक्शन है वहाँ पे आप इसको वेयर करके जा सकते हो. इट्स वेरी प्रिटी. एंड हाँ, इसका नेक पे ना ये जो भी डिज़ाइन उन्होंने किया है, वी सेप जो डिज़ाइन किया है ना, दैट इज़ रियली प्रिटी. बट ये थोड़ा सा नेक डीप हो सकता है, बट दैट इज टोटली ओके, इतना ज़्यादा भी डीप नहीं है, बट ये डीप है थोड़ा सा यू नो नेक तरफ. बट या अगर आपके पास कोई चोकर है देन आप यहाँ पे पहन सकते हो, जैसा कि उन्होंने फोटो में दिखाया है बिल्कुल वैसा. इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. बिल्कुल आपके चेस्ट के नीचे ना ये आता है, ये जो बॉर्डर कमर पे दिया है ना, वो जो अपर वेस्ट में आता है ये. एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी यू नो आपके कमर को थोड़ा सा नैरो कर देता है. एंड उसके बाद ये जो घेरा है, घेरा पे जो उन्होंने प्रिंट किया है ना, ये जो फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बता रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत कुर्ती है. एंड हाथ पे भी उन्होंने बहुत सुंदर, वही जो नेक पे बॉर्डर दिया है वो हाथ पे भी उन्होंने दिया है. सो लाइक जैसा उन्होंने एग्जैक्टली फोटो में दिखाया ना वैसा तो नहीं लगता, क्योंकि फोटो में जो जो भी काम किया है ना, यहाँ पे जो फ्लावर का काम किया है, ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, बट फोटो में ये थोड़ा सा मुझे वाइट पिंक जैसा दिखा, बट इट्स येलो. तो दैट वाज व्हाट आई एम डिसअपॉइंटेड. बट अदर देन दैट द प्रिंट इज रियली गुड, द फैब्रिक इज रियली गुड, द फिट, एवरीथिंग इज रियली गुड. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ओके, सो सेकेंड वन इज इट्स ऑल्सो ए कुर्ती एंड इट इज फ्रॉम जाए अम्बे अम्बे एक्सपोर्ट शॉप से ही मैंने लिया है. एंड इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया है. एंड जैसा इसमें पिक्चर में दिखा है ना वैसा तो नहीं है, लाइक थोड़ा मुझे चेंज लगा. इसका प्राइस आपको पड़ेगा कुछ 384. एंड इसका साइज़ तो मैंने स्मॉल ही मंगाया, मैंने बता दिया आपको. इसका फेब्रिक जो है वो रेयन है. सो दिस इज़ अ कुर्ती दैट आई रिसीव्ड. एंड इसका जो यू नो फोटो में ना लाइट की वजह से मे बी आई डोंट नो, बट मुझे लगा यहाँ पे ना वो कुछ जो स्टोन का काम होता है ना वैसा कुछ मुझे दिखा ऐसा फोटो में, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने गोल्डन का कुछ प्रिंट का जो भी काम किया है, मे बी दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग लाइक इट वॉज शाइनिंग लाइक ए यू नो क्रिस्टल और स्टोन. सो या बट इट्स रियली गुड. एंड बट ये मेरे यू नो साइज़ का नहीं है, लाइक स्मॉल साइज़ तो है लेकिन मेरे मुझे लूज़ हो रहा है. सो मैं इसको कमर के पास ना थोड़ा सा इसको टेलर के पास जाके फिटिंग करवाऊंगी. एंड यहाँ पे उन्होंने अगर आप आपकी साइज स्मॉल है, जो कि उन्होंने जितना जो भी साइज़ दिया है उन्होंने मेंशन किया है उनके साइज चार्ट पे, अगर आपकी वो साइज़ है तो यहाँ पे आप उन्होंने आपके लिए फिटिंग के लिए दिया है, आप चाहो तो कर सकते हो हियर. एंड यहाँ पे उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर किया है, दैट इज़ रियली प्रिटी. एंड इसका जो कलर है ना वो मैरून नहीं है एंड ब्राउन भी नहीं है, मेरून ब्राउन जो मिक्स होगा ना दैट इज़ द कलर. पीछे उन्होंने एक दो डोरी दिया है लाइक बैक साइड अप यू नो फिटिंग करने के लिए. एंड इसका जो गला है ना दैट इज़ रियली बिग, लाइक मुझे लगा बड़ा है बहुत ज़्यादा. बट मुझे इस तरह की जो डीप नेक होता है ना मुझे पसंद आता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है यू नो आगे भी और पीछे भी. एंड नीचे भी उन्होंने इसका जो फैब्रिक है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आई डोंट नो क्योंकि मैंने रिव्यू में देखा था कोई लड़की ने बोला था कि अगर ये झड़ गया
तो फिर बुरा लगेगा, बट आई रियली डोंट नो ये यू नो ये जो प्रिंट उन्होंने किया है ये रियली उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये तो आप यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। एंड हाथ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा यू नो दिया है, डिज़ाइन किया है। यू वॉन्ट समथिंग लाइक इन रेड कलर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस दिवाली। द थर्ड वन इज दिस ब्यूटिफुल चित्ररेखा वुमेन दुपट्टा सेट, एंड ये मैंने लिया है मीरा फैशन टैग शॉप से लिया है। इसका मैंने स्मॉल साइज मंगाया था, एंड इसका ना आपको दो ही कलर अवेलेबल मिलेंगे, दैट इज दिस पर्पल वन जो कि बैंगन जो होता है ना उस कलर का है, एंड दूसरा है डीप ग्रीन उस कलर का अवेलेबल है। इसका प्राइस आपको कुछ पड़ेगा, इसका प्राइस कुछ ज़्यादा है, लाइक इट वॉज लाइक 855 फॉर मी। प्राइस बहुत ज़्यादा है, आई मीन इन कंपेरिजन वॉट दे गिव अस, लाइक ये अनारकली का जो भी अनारकली है, एंड इसके साथ उन्होंने एक दुपट्टा दिया है, पैंट नहीं दिया है। हाँ पैंट की यू नो अगर इसके अंदर आपको अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर का स्लैक्स लेगिंग्स है एंड ब्लैक लेगिंग्स या फिर इस कलर का अगर आपके पास लेगिंग्स है तो आप पहन सकते हो। अगर नहीं भी पहनोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा है एंड यू नो इसका घेरा वेरा है तो वो दिखता नहीं है। आप अगर आप बाहर जा रहे हो देन यू कैन वेयर ए डीप कलर पैंट। जो नेक पे चेस्ट के एरिया पे जो भी उन्होंने काम किया है यू नो जो मुगल मुगल के टाइम में जो भी लड़कियाँ लाइक उनका जो पहनते हैं ना, जो जोधा अकबर एक मैंने सीरियल देखती थी तो वहाँ पे जो लड़कियाँ मुस्लिम लड़कियाँ होती थी तो वो ऐसा कुछ पहनते थे जहाँ पे यू नो यहाँ पे ऐसा होके काम होता है। सो दैट लुक्स रियली प्रिटी एंड गॉर्जियस। ये बहुत डीप कलर है, जो इसका पर्पल कलर जो डीप है उस पर उन्होंने गोल्डन नहीं बोलूँगी जो रोज़ गोल्ड होता है ना, हल्का हल्का सा पिंकिस कलर इसमें है, एंड वाइट पे थोड़ा सा हल्का सा पिंक मिला दोगे जो भी ना वही कलर का उन्होंने काम किया है, एंड जो भी उन्होंने काम किया है ना इट्स रियली प्रिटी, बहुत सुंदर है। सो हाथ पे भी उन्होंने थोड़ा बस हाथ जो इसका जो स्लीव है वो फुल स्लीव है, एंड एंड पे उन्होंने ऐसा कुछ एक इलास्टिक उन्होंने लगाया है, दैट्स इट। एंड हाथ पे छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स इधर उधर बनाए हैं, दैट्स इट। एंड नीचे घेरा में उन्होंने कुछ भी फ्लावर या कुछ भी नहीं, सिंपल प्लेन सा घेरा है। पीछे का जो भी बैग अब देख रहे हो ना पूरा यहाँ तक नीचे कमर तक जो भी है यहाँ पे वो चेन का उन्होंने सिस्टम किया है, बट या मुझे ये लूज़ हो रहा है, इसका गर्दन भी लाइक बड़ा है तो मुझे इसको इसकी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अगर आपका साइज़ यू नो बड़ा है, स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़, देन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका साइज़ लाइक मेरे जैसा है देन यू डोंट हैव टू यूज़ इट एट ऑल। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं आपको पहन के दिखा दूँगी, मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है कमर के पास, सो अगर मैं टेलर के पास जाके फिटिंग करवा दूँ देन इट्स रियली प्रिटी। एंड इसका दुपट्टा भी ठीक ठाक लेंथ है इसका, ज़्यादा लंबा नहीं है या फिर बिल्कुल ही छोटा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक लेंथ है इसका, एंड इसका विड्थ भी एकदम बराबर है। मैं तो कहूँ कि कुछ ज़्यादा ही विड्थ है इसका। एंड इस दुपट्टा में ना उन्होंने वैसे ही जैसे हैंड पे जो स्लीव पे जैसा काम किया था वहाँ पे भी यहाँ पे भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा यू नो फ्लावर जैसे उन्होंने काम किया है, दैट्स इट। एंड इट इज़ प्रीटी डिसेंट दुपट्टा, सो अगर आपको पैंट नहीं चाहिए, अगर आपके पास इस कलर का पैंट अवेलेबल है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग यू नो एवरीथिंग इफ़ यू कंपेयर देन कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे प्राइस, सो या इट्स ऑन यू। मैंने दिखा दिया, अगर आपको पसंद है वन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो लास्ट मैंने कुर्ती मंगाया है, ये आई एम रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मेरे पास कोई भी यू नो स्ट्रैप कुर्ती नहीं है, मेरा जो भी है वो उसमें हाथ तो होगा ही होगा, स्लीवलेस कुर्ती ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। सो मैंने ये पहली बार यू नो स्ट्रिप कुर्ती जो होता है नारो सा जो शोल्डर पे होता है दैट स्ट्रिप ओनली, सो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी ये, बट इट डजंट लुक नाइस ऑन मी। सो मैं इसको दिखाती हूँ एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने पिक्चर में जो भी लड़की उसको पहनी है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट मैंने वहीं सोचे कि ऑर्डर इसको किया था, बट जो मैंने रिसीव किया है ना वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आप यू नो अगर आपको जितना गर्दन नेक आपको जितना डीप चाहिए आप डीप रख सकते हो, और चाहे तो आप यू नो ऊपर कर सकते हो, छोटा नेक कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस कुर्ती पहनने के बाद, कपड़ा में कोई भी खराबी नहीं है, फैब्रिक का जो भी क्वालिटी है प्योर कॉटन है, मुझे लगता है कॉटन ही है ना, ये रेयन है, कॉटन नहीं है, रेयन है। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आपको, इसका प्राइस मुझे कुछ पड़ा, ओ माय गॉड, इसका प्राइस मुझे पड़ा 367 के आसपास, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एंड इसका साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया था। मैंने कौन सा शॉप से लिया, पालिन इंटरप्राइजेस शॉप से ये मैंने लिया है। इसके आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ कलर्स नो डिज़ाइन के अवेलेबल मिलेंगे, लाइक स्ट्रिप वन, सो यू कैन चूज इफ़ यू वॉन्ट। बट मैं इसका जो प्रॉब्लम है मैं वो दिखा देती हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, ये स्ट्रिप जो है ये ठीक है बिल्कुल, बट ये जो आपके जो यू नो आर्मपिट पे जो आता है यहाँ से स्ट्रिप होके जो यहाँ पे आता है ये जो एरिया है ना, सो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा जो दोनों तरफ ये लूज़ है, ठीक है,
ये जो दोनों तरफ है ना, ये जो एरिया है ये बहुत लूज हो रहा है मुझे, सो इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. सो मैं इसको ट्राई करके आप लोगों को नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ. मेरा जो भी हाथ है ना वो पतला है, सो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर मी. अगर आपका हाथ यू नो स्ट्रांग है एंड थोड़ा सा बल्की है, सो है, अगर आपका हाथ थोड़ा सा मोटा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. बिकॉज़ जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं ना उन पे ना ये स्ट्रैप वाले जो कुर्ती या फिर कोई भी ड्रेस हो जो स्ट्रैप वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ आई एम फेसिंग बिकॉज आई एम थिन, सो दैट्स वाई इट्स माई प्रॉब्लम. अगर आप हेल्दी हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ कुर्ती हॉल. आई होप आप सबको पसंद आया हो एंड मैं ट्राई करूँगी दिवाली से पहले एक और कुर्ती हॉल बनाने के लिए. बट मैं अभी शिफ्ट होंगी लाइक अक्टूबर सेकेंड वीक में मैं जा रही हूँ बैंगलोर. सो आई डोंट नो कि मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ एंड ऑफिस का भी टेंशन है. सो लेट्स सी कि मैं बना पाती हूँ या नहीं. बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट. नेक्स्ट हॉल मेरा ज्वेलरी हॉल पे होने वाला है क्योंकि दशहरा एंड दीपावली है. सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड टेक केयर. बाय.